समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो दूसरा है कि एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल टी टाइम बाद, कोई पार्टिकल है वो मोशन परफॉर्म कर रहा है, टू डायमेंशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है, क्योंकि उसका एक्स भी बदल रहा वाई भी बदल रहा, तो टू डी टू डायमेंशनल का ये प्रॉब्लम ही है। अब कहता है मतलब उसका एक्सलेशन निकालना है 2 सेकेंड बाद। आपको पता है जब टू डायमेंशनल मोशन होती है तो पार्टिकल का एक्स भी बदलता है वाई भी बदलता है या कोई भी दो कोऑर्डिनेट बदलता है, तो ऐसा हो सकता है इसका एक्स में भी वेलोसिटी हो वाई में भी वेलोसिटी हो, तो हो सकता है एक्स में भी एक्सलेशन हो वाई में भी एक्सलेशन हो, तो नेट एक्सलेशन कितना होगा यार, उन दोनों का रिजल्टेंट होगा, वेक्टर रिजल्टेंट है ना भाई, टू डायमेंशनल मोशन यही तो होता है। तो चलो, तो अगर इसका मतलब ये हुआ कि अगर उसका एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट कितना है तो बोलो 5t - 5t - 2t² और वाई कोऑर्डिनेट कितना है, वाई कोऑर्डिनेट है यार 10t। तो सबसे पहले मैं अगर कोई पार्टिकल है टू डायमेंशनल मोशन कर रहा है, मान लो उसका एक्स एक्सिस में एक्सलेशन ए एक्स है और वाई एक्सिस में एक्सलेशन ए वाई है, तो अब उस पार्टिकल का नेट एक्सलेशन कितना होगा यार, बोलो ax² + ay² उसी तरह से वेलोसिटी होगी, तो वेलोसिटी का रिजल्टेंट ले लेंगे, ठीक है भाई। वन डायमेंशनल था तो एक ही होगा करता था, अब दो दो हो गए ना, हो सकता है। चलो अब इसको एक वेलोसिटी निकालो, तो वेलोसिटी एक्स एक्सिस में कितनी आएगी, dx/dt, इसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दूं तो ये मिलेगा 5, ये मिलेगा 4t, है ना। आई होप कि डिफ्रेंशिएशन सभी को आता होगा भाई, इतना तो हम लोग पढ़ के आए हैं, ठीक है। वेलोसिटी इन वाई एक्सिस आ जाएगा बोलो 4dy/dt, 4 10 आ जाएगा। चलो अब एक्सलेशन निकालना, हमें तो चाहिए एक्सलेशन, अगर वेलोसिटी पूछता तो यहीं पे इन दोनों का रिजल्टेंट ले लेते। एक्सलेशन इन एक्स एक्सिस में कितना आएगा, वेलोसिटी को एक बार टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे -4 आ जाएगा, और इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे वाई एक्सिस में तो ये आ जाएगा 0, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता। देखो मोशन तो टू डायमेंशनल है, क्यों, क्योंकि यार एक्स भी बदल रहा है और वाई जो है वो कांस्टेंट है, टी टाइम पे वाई भी बदल रहा है, ठीक है, वाई भी बदल रहा है एक्स भी बदल रहा है, तो टू डायमेंशनल मोशन है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि टू डायमेंशनल मोशन में किसी पर्टिकुलर एक्सिस में एक्सलेशन होगा ही होगा, किसी पर्टिकुलर एक्सिस में एक्सलेशन 0 भी हो सकता है, पर यार किसी एक में तो रहेगा ही रहेगा, तो ये एक्स में है, ठीक है भाई। अगर पार्टिकल टू डायमेंशनल मोशन कर रहा है, कर्व पे चल रहा है, ठीक है, बिकॉज टू डायमेंशनल मोशन कर्व पे ही होगा, स्ट्रेट लाइन में तो होगा नहीं यार, तो टू डायमेंशनल मोशन अगर कर्व में होगा तो पार्टिकल के पास मिनिमम एक एक्सलेशन तो रहेगा ही रहेगा यार, है ना भाई। कर्व पे चलेगी तो वेलोसिटी बदलती है कर्व पे, कोई भी पार्टिकल कर्व पे चल रहा है, ठीक है, कर्व पे चल रहा है, ठीक है, तो उसकी तो वेलोसिटी हर मोमेंट बदल रही है। अब वेलोसिटी फिजिक्स में बदल रही है तो वेलोसिटी बदलेगा कौन यार, फोर्स लग रहा होगा, एक्सलेशन लग रहा होगा, तभी तो वेलोसिटी बदल रही होगी। तो ये वाली इसकी वेलोसिटी बदल रहा है, ये जो एक्सलेशन है वो इसकी वेलोसिटी चेंज कर रहा है, ठीक है। और ये वाई एक्सिस में, जैसे जैसे प्रोजेक्टाइल मोशन है, एक्स एक्सिस में एक्सलेशन 0 होता है, वाई एक्सिस में एक्सलेशन होता है। तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर पार्टिकल टू डायमेंशनल मोशन कर रहा है किसी पर्टिकुलर एक्सिस में एक्सलेशन दोनों हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, एक 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 तो होगा ही होगा यार, ठीक है। चलो तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है कौन सा भैया, -4 है कोई, तो नेट एक्सलेशन ए कितना आ जाएगा, ax² x² 0 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर प्लस, और ये अंडर रूट, तो मैग्नीट्यूड में 4 m/s² रहेगा और डायरेक्शन के साथ देखोगे तो -4, मतलब ये बी ऑप्शन सही है ना। चलो